गुड मॉर्निंग एवरीवन। सब्जेक्ट है हमारी हिंदी, क्लास है थर्ड। आज हम चैप्टर सेकंड रीड करेंगे। चैप्टर सेकंड है हमारा पेड़ की कहानी। मार्च का महीना था, एक सुबह रवि अपने घर के सामने वाले बाग में टहलने के लिए गया। उस दिन मौसम बहुत सुहावना था, हल्की हल्की हवा चलने से पेड़ पौधे झूम रहे थे, यानी कि पेड़ पौधे क्या कर रहे थे, हिल रहे थे। ऐसा सुंदर दृश्य देखकर रवि सहसा ही बोल पड़ा, वाह, पेड़ है धरती की शान, इनसे जीवन और जहान। रवि की बातें आसपास के पेड़ सुन रहे थे। एक पेड़ बोला, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद कि तुमने हमारी उपयोगिता समझी, यानी कि तुमने क्या समझी, हमारी उपयोगिता। यहाँ बहुत से बच्चे रोज घूमने और खेलने आते हैं, परंतु आज तक किसी ने ऐसी बात नहीं कही। तुम अच्छे बच्चे लगते हो, अगर तुम्हें जल्दी ना हो तो क्या तुम एक कहानी सुनोगे? किसने कहा था? पेड़ ने। किससे कहा था? बच्चे से। कहानी का नाम सुनते ही रवि बहुत खुश हुआ। वह बोला, हाँ हाँ, आप कहानी सुना सकते हैं, लेकिन यह कहानी किसकी है? तब पेड़ ने कहा, मैं तुम्हें पेड़ों की कहानी सुनाना चाहता हूँ, क्या तुम हमारी कहानी सुनोगे? रवि खुशी खुशी से कहानी सुनने को तैयार हो गया। सहमति पाकर पेड़ ने कहानी सुनानी शुरू कर दी। आज हम तुम्हें सुंदर दिख रहे हैं, तुम हमारी सुंदरता पर मुग्ध हो रहे हो। जानते हो, हमें ऐसा रूप प्राप्त करने में बहुत समय लगा है। प्रारंभ में तो हम केवल नन्हे बीज थे, फिर इस बाग के माली ने हमें मिट्टी में गाड़ दिया। वहाँ अंधकार में पड़े पड़े हम ऊब गए थे, फिर एक दिन हमारे ऊपर वर्षा का पानी गिरा। पानी पाकर हमारी नींद टूट गई और प्यास भी बुझ गई। पानी का स्पर्श, यानी कि पानी का स्पर्श पाकर हम कुछ शीतल हुए। क्या हो गए? यानी कि जब वर्षा ने उन्हें छुआ तो क्या हो गए, वो शीतल यानी कि ठंडे हो गए और छोटे छोटे अंकुरों के रूप में बाहर झांकने लगे। जो क्या थे, बीज हुए थे, वो क्या हो गए, अंकुरित होकर बाहर की ओर, ज़मीन से ऊपर की ओर निकलने लग गए थे। ये आपको इधर से लेकर और इधर तक रीड करना है। थैंक्स।